जलधौ पतश काम क्रोधा दिन क्रमकर कवलिखित दुर्वासना निगरतश निराशय चैतन्यचंद मेही पदावलबनं <coughs> सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर पोहपाजी ने बताए तर विषय संग्रह करना बद्ध जीवों का एक मूल बैधी है किसने तरो विषय संग्रह करना बद्ध जीवों का एक बीमारी है ऐसे तो अन्य और व्यतिरिक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जगत में तमाम वस्तु कृष्ण सेवा में कैसे यूज किया जाए इसका भी पद्धति है लेकिन गौड़ी संप्रदाय में शिशीला नरोत्तम ठाकुर जी ने मास्टर जो बोल के एक चीज़ है जिसका कोई प्रयोग हरि सेवा में दिखा नहीं दिखाया नहीं क्योंकि ये संभव नहीं संसार दुख जलोधो ये जो बोला संसार सिंधु है इसमें दुखी दुख है जो आनंद बोल के जो चीज महसूस होता है तात्कालिक है फॉर द टाइम बिनिंग पामनेंट नहीं है इसमें बोला गया शास्त्र में जो ये जो संसार सिंधु है इसको पार करने के लिए साधन क्या है भागवत में प्रश्न आता है इसका चर्चा में थोड़ा देर बाद जाए हमारा गौड़िया संप्रदाय से ताल्लुकात हैं गौड़िया मठ से हैं इसलिए उसी चैतन्य महाप्रभु का बारे में थोड़ा नहीं बताए तो ये भागवत धर्मों का बारे में सनकादि रिशी ऋषि जो ऋषियों ने जो प्रश्न किए हैं ये अधूरा रह जाएगा जब भी कृष्ण भगवान श्री कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु एक ही है वही कृष्ण वस्तु ही है सिल सुखदेव गोस्वामी जी इसलिए बताए भागवत जी का बारे में बताएं भागवत जी क्या है सुखदेव जी महाराज बताएं साक्षात कृष्ण एवही ये भागवत जी महापुराण को कृष्ण छोड़कर दूसरा कुछ मत सोचो ये कृष्ण ही है स्वयं लेकिन कृष्ण का बांगम्मयी मूर्ति है ये आपको समझ में नहीं आएगा ये कैसे संभव है प्रीलिमिनरी जो चीजें हैं भजन रास्ते में इसका बारे में जानकारी ना हो तो बाकी जो भजन का जो विषय है उस समझ में नहीं आ सकता समझ में आना संभव नहीं संसारी जीव संसार समुंदर में है श्री चैतन्य महाप्रभु जो सिखाष्टक में पहला स्टक बताए पहला शिक्षा स्टक का अंदर में पहला जो श्लोक है उसमें बताए पहले लिख दिए चेतदर्पणमर्जनं भवमहादवाग्निर्वापनं श्रेचैरुक्षेकैरवचन्दिकवितारणं विद्याबुधुर्जीवनम् आनन्दान्मुदिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृत्वास्वादनं सर्वात्मस्नपनं परं येति श्रीकृष्णसङ्कीर्तनम् पहले बताया भवो दबाग्नि निर्वापनम ये पृथ्वी में जितना सारे व्यवस्था है जितना सारे आदमी है सब कुछ है ये आपस में आग जलता है जैसे जंगल में गर्मी का समय बहुत गर्मी चढ़ गया उस समय गर्मी का समय एक वृक्ष का साथ दूसरे वृक्ष का फ्रिक्शन हो गया उसके बाद दबाग्नि जलता है दबाग्नि ऐसा भयंकर चीज है उसको निभाना मुश्किल है एक पेड़ से दूसरे पेड़ दूसरे पेड़ से तीसरा पेड़ ऐसा करते करते तमाम जंगलों को जलाकर राख कर देता संसार में सुख जरूर है यह हम जानते हैं लेकिन ये सुख वास्तव सुख नहीं है इसको समझना चाहिए तो पता चलेगा सुखदेव जय हमारा सुखदेव गोस्वामी जी क्या बताना चाहेंगे भागवत में इसका बारे में सुख है ये जगत में सुख है लेकिन ये तात्कालिक सुख है शांति सुख जो कुछ है वास्तव सुख नहीं है वास्तव सुख का प्रतिफलन प्रति है ये मेटेरियल वर्ल्ड जो जड़ जगत है इसका बारे में हमारा शास्त्रकार ने बताए दिस मेटेरियल वर्ल्ड इज द पार्वर्ट रिफ्लेक्शन ऑफ द ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड ये जगत प्रमाण करता है कि एक वास्तव जगत है जैसे मिरर का सामने आईना का सामने आप अगर खड़ा हो जाओ तो आपका मूर्ति दिखाई पड़ेगा आप नहीं है तो मूर्ति नहीं है आप है तो मूर्ति दिखाई पड़ेगा जरूर मतलब आपका जो मूर्ति आयना में दिखाई पड़ रहा है ये प्रमाण कर रहा है कि ये वास्तव एक मूर्ति है मतलब जो फिजिकल एग्जिस्टेंस है कोई आदमी का जिसका ये आयने में असत बिंब जो आया है इसके कारण तो इस जगत में जो संसार है ये प्रमाण करता है कि इसके बाहर अपराखित जगत बोल के एक जगत है जिसका बारे में आपका कोई धारणा नहीं है ये क्या चीज है कहाँ है ज्यादातर आदमी जानते हैं कि दान पुण्य करो सब कुछ करो और स्वर्ग पहुंच जाओ हमारा पिताजी का स्वर्ग पास हुआ इतना तक जानते हैं बाकी कुछ जानते नहीं सिलो महाराज जी ने अपना जो दैत्य बालक बालकों हैं अपना दोस्त इनके सामने सुंदर बता दिए ये देखो तमाम दुनिया भोग करने भोग करने के लिए दौड़ते हैं तमाम दुनिया किसी को पूछो तुम एजुकेशन एडुके, क्यों कर रहे हो किसी को पूछो तुम संसार क्यों कर रहे हो सबका पीछे एक ही उत्तर है जे हमको सुख चाहिए आनंद चाहिए आनंद चाहिए इसलिए ही तमाम दुनिया दौड़ रहे हैं क्योंकि उसको आनंद चाहिए क्योंकि आत्मा जो है इसका अंदर में आनंद तो सतस्फूर्त तो इसका अंदर में है ही है क्योंकि भगवान आनंदमय है और ममई अंशो जीव लोके जीव हु तो सनातन भगवान से ही आए हुए हैं ये जगत में जितना सारे प्राणी हैं इनके अंदर में आनंद प्राप्ति करने का स्वाभाविक एक जो वृत्ति है इट इज क्वाइट नेचुरल ये स्वाभाविक है ये क्योंकि भगवान का अंदर भगवान स्वरूप है आनंद स्वरूप है आनंदम ब्रह्म ये तो वाराणसी में वाराणसी में हरिद्वार में ये सब सुनने को मिलता है लेकिन एक्सप्लेनेशन इसका जो वास्तव व्याख्या है सुनने को नहीं मिलेगा आनंदम ब्रह्म बोला लेकिन आनंद जो लेगा उसका तो ये तो पार्सोनिफाई होना चाहिए कौन आनंद लेगा इसका कोई फिजिकल स्वरूप होना चाहिए इसका आनंद जो लेने का वृत्ति है ये कहां ठहरेगा ये तो आसमान में नहीं ठहरेगा इसका आधार होना चाहिए लेकिन ये लोग समझते नहीं है बोलने का सामयिक वेदांत का बोल देते आनंदम ब्रह्म ठीक है लेकिन आनंदम ब्रह्मो आनंद आनंद जो लेगा जो उसका तो एक स्वरूप तो होना चाहिए निराधार निराकार वो क्या आनंद है बात यह है कि प्रहलाद महाराज जी ने बचपन में पांच साल का उम्र में सुंदर बताए सुखम ऐन्द्रियकम कम दैत्या दे देहो योगे न देनाम सर्वत्र लभ्यते अस्मात् यथा दुखम अजतनता ये बात को समझना चाहिए पहले प्रहलाद महाराज जी ने बताया सुखम ऐन्द्रियकम दैत्या दे देहो योगे न देही सर्वत्र लभ्यते अस्मात् यथा दुखम अजतना था कोई ऐसा आदमी तो नहीं है कोई ऐसा आदमी तो नहीं है जो दुख मांगता है अब बताओ आप लोगों में कौन है ऐसा कि वो बोले हाँ महाराज हम दुख चाहते हैं दुख तो कोई चाहते नहीं लेकिन हमारा क्वेश्चन है तो दुख तो चाहते नहीं कि लेकिन दुख कैसे आ गया आपका बिना बुलाए आते हैं आते हैं कि नहीं बिना बुलाए आज उसको बुलाते नहीं और सुख को बुलाते लेकिन सुखाते नहीं और कभी कभी सुख भी हो गया थोड़ा देर के लिए फिर दुख भी आ जाता है क्योंकि स्पॉन्टेनियस अनइंटरप्टेड जिसमें कोई बाधाए नहीं हो सकता ऐसा किस्म का एंजॉयमेंट आनंद एकमात्र भगवत भजन में ही है जगर जगत जगत जड़ जगत में ऐसा किस्म का एंजॉयमेंट का कोई स्वरूप आसर आविष्कार नहीं हुआ जो किसी आदमी ने जर संसार में रहते हुए कंटिन्यूसली ही इज ये हुआ नहीं बच्चा ने फर्स्ट फर्स्ट क्लास पास किया गैजेट निकला और घर में खबर आया और मिठाई का एकदम बाढ़ आ गया आनंद से झूम रहे सब माता जी पिताजी भाई बंधु और चल रहा है और जस्ट नेक्स्ट डे लड़का ने बोला पिताजी को तुम्हारा स्कूटर दे दो हमको थोड़ा दोस्त का पास जाना है पिताजी वो नहीं तू स्कूटर चलाना नहीं जानता हम देंगे नहीं माताजी ने सुहाग करके बोले काजी सुनते हो जी दे दो ना क्या है दो मिनट के लिए तुम्हारा भी कैसा भाव है अब बोल दिया मैया लोग तो ऐसे ही होती है अब बोल दिया बोले ठीक है जब मैया पीछे पड़ गए तो हम कौन जा ले जा लेके निकाला हाईवे में आया और लौड़ी मर दिया वो बस कुचल के खत्म तो आनंद का बार है मिठाई का बार है एट द सेम टाइम खबर आया तो रोने का बार आ गया अब आप बताओ कि ये जो जगत का सुख है ये कहां तक कितना दिन तक चलेगा कहां तक चलेगा इसका कोई ड्यूरेशन का कोई कोई है फिक्स हिसाब है फ्लैक्चुटिन कभी है कभी नहीं है जो बोका लोग हैं हम जाने सब समाज के आदमी सोचते हैं हम बुद्धिमान हैं हम ही मानते हैं आप बुद्धिमान है आप बुद्धिमान है सब बुद्धिमान है आई आई नो इट यू आर इंटेलिजेंट अकॉर्डिंग टू योर ओन एस्टिमेशन तुम्हारा अपना जजमेंट के द्वारा तुम्हारा विचार के द्वारा तुम चालू हो हम महाराज बोका है हम जानते हैं ये सभी का विचार है लेकिन भगवान ने बोलते ये बुद्धिमान नहीं है बुद्धिमान नहीं है इसका चर्चा हमने दस बारह दिन पहले जब आए तभी देहरादून में कर दिया इसका श्लोक सुना सकता है भी शिव भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को बताए ऐशा बुद्धिमताम बुद्धि मनीषा चौनीषीण यम अन्य नेहते न अपनति अमृतम बुद्धिमानों में ये वास्तव बुद्धिमान है जो ये जड़ जगत का जो सुख भौतिक सुख है इसके बाहर जो एक अमृतमय जगत है उस जगत का अमृत पान करने का इच्छा जिसका अंदर में पैदा हुआ है क्षण शरीर लेकर बस एक ही उसका चिंतन है महाराज हमको तो मरने बा मरना ही है तो मरने का पहले क्यों ना हम वो अमृत को चाख ले आनंद ले ले भागवत धर्म ऐसा है जिसका बारे में हम चर्चा करेंगे थोड़ा देखो साठ हजार ऋषियों का झुंडो सब साधारण नहीं साठ हजार ऋषियों का झुंडो ये लोग यज्ञ करते रहते हैं बहुत का सारे साधन करते रहते हैं वहां तो यज्ञ चल रहा था, सम, था एक हजार साल का यज्ञ का अनुष्ठान व्रत लिए हैं एक हजार साल और घृता होती ओम सुहा ओम सुहा करते करते अपना शरीर काला काला हो गया क्योंकि धुम धूमड़ निकालता है धुआं वो धुआं से काला काला हो गया शरीर बट वाट इज द अल्टीमेट गेन अल्टीमेट क्या फायदा हुआ महाराज भजन अगर करो तो उसमें तो कुछ फायदा तो जरूर मिलेगा ऐसा बोका तो नहीं है कुछ क्रियाक्रम कर दिया कि उसका पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है कुछ का प्रॉफिट किस क्या लाभ होगा इसका चिंतन नहीं है कोई करेगा बोलो कोई है ऐसा मंदधी मंदधीर ओपी पी नबरतें विदाउट बेनिफिट बुद्धि बहुत खराब है कम बुद्धि वाले हैं, फिर भी वो सोचते हैं कि ये जो हम करेंगे इसका पीछे व्हाट इज द बेनिफिट इसका पीछे हमारा क्या फायदा होगा अब बिजनेस मैन का बात तो छोड़ो वो तो करेगा ही पर पल में चिंता हैं करते ये जो करे इसका पीछे क्या फायदा है हमारा मंदधीर ओपी बोका बुद्धि काम वाले वो भी अगर कोई प्रॉफिट नहीं कोई फायदा नहीं है कोई काम नहीं करेगा तो ये जो सनकादि ऋषि तो कुछ तो फायदा के लिए बैठा है लेकिन करते करते काला हो गया शरीर चिंतन में पड़ गया उसी समय देखा ठाकुर जी का प्रेरणा से सुतोदेव गोस्वामी आ चुके हैं सुतोदेव गोस्वामी जी आ गए पहले वाला श्लोक का हमारा व्याख्या नहीं हुआ उसको थोड़ा बहुत क्लियर करे तो अच्छा रहेगा सनकादि ऋषि कोई साधारण नहीं है जब बुद्धि कम है ऐसा नहीं सुतदेव गोस्वामी जब आ गए तो आनंद से उछल पड़े बोले महाराज आ गया हमारा जब साधन करो भजन करो कुछ भी करो अंतरात्मा की कोई प्रसाद अर्थात कोई सेटिस्फैक्शन ना हो हमने एक श्लोक तो दो दिन पहले मटकाई चर्चा में उठाया था भक्तों लोगों का सामने श्रेयानो मै ज्ञात ज्ञान योगम परम तप सर्वकर्मान अखिलम ज्ञानी परिसमा इसका थोड़ा व्याख्या सुन लो हम जाने महाराज तो लंबा चौड़ा चैप्टर दे देते हैं और सुनाने का समय नहीं देते हैं हम दुखी बन जाते इससे पहले से बोलते हैं क्या बोलना है बोलो जैसे सारम सारम समुद्रितम हम सार को बताए क्योंकि ये लंबा चौड़ा बताना जो कौन सुने सुनने वाला भी नहीं है मठ में उठाया था इस श्लोक को लेकिन व्याख्या करने का समय बहुत सारे चीज बोलने का इच्छा होता है गुरु वैष्णव का करुणा के द्वारा प्रेरणा आता है लेकिन समय नहीं मिलता शिला स्वच्चिदानंद भक्तवीनो ठाकुर का नाम शायद आपने सुने होंगे जो गौरी वैष्णव समाज के साथ जुड़ा हुआ है अगर नहीं भी जुड़ा हुआ है तो ये शिला स्च्चिदानंद भक्तवीनो ठाकुर नाम ये शब्द बोलने का साथ साथ आपका मंगल हो जाएगा ये समझ लो बस और जानने का दरकार नहीं कुछ इतना ही काफी शिला सच्चिदानंद भक्ति ठाकुर इस श्लोक का सुंदर विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद सी स्वामी पाद उसका ऊपर भी उसका टिप्पणी किए काल रामनवमी है मठ में जरूर पहुंच जाना दस बजे का अंदर उसमें राम लाला का बारे में सिद्धांतों का चर्चा होगा फिर और एक वैष्णव का आविर्भाव तिथि है उसका बारे दो वैष्णव तिथि उसका बारे में चर्चा हो पाएगा कि नहीं हम जानते नहीं हैं तो देखेंगे चर्चा करें जब शाम को अधिवेशन होगा कहीं तो शिला सच्चिदानंद भक्तिविन्नाथ ठाकुर जी ने बड़ा सुंदर उसका विश्वनाथ चकुर्दी का टीका का ऊपर सुंदर व्याख्या किए बोले देखो महाराज ये जड़ जगत का आदमी तो जड़ वस्तु छोड़कर कोई दूसरा चीज़ जानता नहीं कहाँ भगवान है हमको तो ये ईट पत्थर दिखाई पड़ता है ये तो है ही है जड़ जगत का आदमी का ये पोजीशन है गाली देने से भी कुछ फायदा नहीं है हिम्मत है तो उसको प्यार करके गदी में उठा लो और समझाओ बेटा देखो ऐसा है बेटी ऐसा है स्थिति तुम ये समझ लो ये लड़ाई करने का विषय है नहीं प्यार से समझाने का विषय है जब आपका दिल लग जाएगा तो आप हमको ढूंढोगे हम आपको ढूंढेंगे नहीं जब आपका दिल लग जाएगा तो आप ढूंढोगे वो महाराज कहाँ है बस यही बात है समझना चाहिए दैट्स ऑल सिलो सच्चिदानंद भक्ति ठाकुर कहते हैं कि जगत में जितना सारे यज्ञ यज्ञ तो होता है यहां की गीता में भगवान जी बत, बताए जे ब्रह्मा तुम लोगों को सब ये विधान किए तुम यज्ञ करो यज्ञ करते करते एक दूसरे को सम्मान करना देवता लोग तुमको सहायता कर तुम देवता लोग को सहायता कर, ऐसा कहते तुम आगे चलो संसार को बढ़ाओ ब्रह्मा जी का सृष्टि करने का बाद ये आदेश किया था ये तो ब्रह्मा जी का कहना है लेकिन इसका पीछे जो एक बात है जितना सारे यज्ञ चल रहा है सारे यज्ञ चल रहा है ये दुनिया में जितना संसार यज्ञ जितना सारे कॉल कारखाना फैक्ट्री आदि सब चल रहे हैं और यहाँ तक कि आप हवन करने के लिए बैठे ये भी एक किस्म का युग वो भी यज्ञ कर्म कर्मयोग्य है चारे ओर यज्ञ चल रहे हैं ज्ञान योग्यो कर्म योगो सब चल रहा है यज्ञ ही चल रहा है पूरा दुनिया में लेकिन ये सब यज्ञों का पीछे क्या है वट इज द मिस्ट्री बिहाइंड इट इसका पीछे रहस्य बताओ ये तो मोटा योग्य है करते रहते इसका पीछे सचिदान भक्ति ठाकुर जी ने बताए जितना सारे दुर्भमय योग्य होगा यहाँ तक कि एक छोटा सा एग्जाम्पल दे यहाँ भंडारा होगा गृह स्वामी ने बाजार से बहुत सारे सब्जी अनाज लाके इकट्ठा कर दिया रसोई वाले ने रसोई करना शुरू कर दिया रुचि पूरी लड्डू सब बन गया और उसमें खाना लड्डू पूरी इत्यादि बन गया और लग गया भंडारा भंडारा लग गया और थोड़ा वो दिखावा कीर्तन भी हो गया बुला ला पंडित को ले आ थोड़ा कीर्तन कर दे संग घर का मंगल कुशल तो हो जाएगा मंगल कुशल क्या है इसका कोई डेफिनेशन जानता नहीं लेकिन जरूर ये बोल देता है अब थोड़ा मंगल कुशल का क्वेश्चन है बुला ले पंडित जी को हम अगर पूछे महाराज मंगल कुशल का क्या डेफिनेशन है आप बताओ मेरे को वो बोलने सकता मंगल कुशल मतलब लड़का लड़की सब अच्छा रहेगा पास करेगा नौकरी चाकरी मिलेगा घर इसका एक सेंटेंस में बोला जाए सुख संपत्ति आए घर का कष्ट मिते तन का दैट इज द डेफिनेशन लेकिन इसमें हम लोग तो संत महात्मा जो है वास्तव संत में हंसी उड़ाते हैं जय जगदीश हरे बोल के आओ दो, दो दस पांच रुपया का चुनौड़ी चरा दिया धूबबत्ती लगा दिया और ऐसा करके आरोप हैं है तो महाराज महाराज मजादार कीर्तन है लेकिन इसका अल्टीमेट क्या रास्ता है क्या उसमें क्या मिलेगा ये सब चिंतन नहीं है जानते नहीं है सब सिलो सचिदन भक्तिदेव ठाकुर जी ने बताए कोई भी अगर आध्यात्मिक जग् करने के लिए कोई बैठे लेकिन उसके उसे उसमें अगर स्पिरिचुअल विषय आध्यात्मिक विषय वो फीका पड़ गया भोजन भंडारा ही बड़ा हो गया दान दक्षिणा भोजन भंडरा हल्ला चिल्ला हो गया शिला स्वच्छिदान भक्ति में ठाकुर जी का कहना है कोई भी यज्ञ करो बहुत चिंतन करके देखो इसका पीछे क्या स्पिरिचुअल गेन हो रहा है आपका अल्टीमेट आध्यात्मिक लाभ कहां तक आपको मिल रहा है यह अगर नहीं मिल रहा है तो यह फजूल है बेकार है इसमें कोई लाभ नहीं होगा। ये सब चिंतन की बात है आज जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं बता दिए बुद्धिमानों में वो वास्तव बुद्धिमान है मनीषियों में वो वास्तव मनीषा उसका ही है जो ये अनित शरीर लेकर अनित्य लेकिन अध्रुवम ओपी अर्थदम इसका भागवत में हम काल परसु सब चल चर्चा चलते, चलते रहेंगे उसमें बताएंगे अध्रुवम ओपी अर्थदम हम जानते हैं बॉडी एनी टाइम आई कैन डाई अध्रुवम ध्रुव नहीं है लेकिन अर्थदम वो अर्थ क्या है धर्म अर्थ काम यह नहीं है यह अर्थों तो मतलब भक्ति प्राप्ति करके बस भगवान का चरण में पहुंच जाओ मई भक्ति रही भूता नाम अमृत तो कल्पते भगवान जी का कहना है भगवान बोला ये तो कुंभ मेला में कुंभ मेला में चांद करने के नहाने के लिए दौड़ लगाते हैं आपस में लड़ते हैं कौन आगे नहाएगा लेकिन इसमें अमृत जो मिलता है ये अमृत जो तक चलोगे वास्तव अमृत है भागवत कथा अमृतम तब अमृतम गोपियों ने भागवत में बताए तो प्रहलाद महाराज जी ने बताए कि सूखा इंद्रिय कम दैत्या देहो जोगे न देही नाम सर्वत्र अभ्य हर जोनी में किसी भी जोनी आपको प्राप्त आपका रास्ता में सुवर जोनी किसी को अगर प्राप्त हुआ होगा पहले जन्म में इसी घर का ही अगर कोई हो कि दूसरा घर का जेंटलमैन था लेकिन उसका क्रियाकर्म ऐसा हो गया वो अभी उसको सुअर्ज नहीं मिला है भगवान ने गीता में बता, जंग जंग बाओपी स्वर्णम भावम तैजित अंत्य कलेवरम इत्यादि श्लोक पाठ किए हो जो चिंतन करके जो भाव लेके शरीर छोड़ोगे ऐसा ही आपका जो मिलेगा तो आप क्या फायदा होगा आ नहीं मिला उसका भी एंजॉयमेंट है है कि नहीं सुअर का एंजॉयमेंट नहीं है सुअर का साथ संग करते हैं और अच्छा अच्छा टट्टी देखे तो उछल पड़ते हैं अरे महाराज आज का भंडारा हो गया हमारा <laughs> अच्छा टट्टी देखे तो बोला हमारा भंडारा हो गया कितना सुंदर और आपका भंडारा लड्डू पेरा चाहिए उसमें डिफरेंस है थोड़ा लेकिन एंजॉयमेंट उसका भी है तुम्हारा भी है हर अवस्था में एंजॉयमेंट है एक केचुआ है उसको भी मारने जाओ तो डर के मरे भागता है एक मच्छर है उसको ऐसे मारने जाओ वो भागता है क्यों बोले ही ये जो मच्छर है वो भी जीना चाहते है जो मच्छर है उसको मारने जाओ तो वो भी भागेगा तू भाग रहा है तू मच्छर है बोला मच्छर है ही सही लेकिन हमको भी जीना है हम अच्छा अच्छा ब्लाट सुंदर खाएगा रहेगा ये भी तो एक एंजॉयमेंट है ना तो एंजॉयमेंट का परिभाषा मैन टू मैन वेरी करता है यहां तक भी सा, कोल सांताल जो नीचू ट्राइब्स होता है उसका भी एंजॉयमेंट है किसी सांप को मार दिया आग में जला दिया खाना शुरू कर दिया कुत्ता पीठा खाता है आपका पीठा सुंदर पीठा बनता है इधर लेकिन वो भी पीठा खाता है उसका नाम है कुत्ता पीठा कुत्ता पीठा क्या होता है महाराज बोले कुत्ता पीठा सुनोगे तो आनंद लगेगा बहुत बोले एक कुत्ता को क्या करता है कुत्ता को पेड़ भर के बहुत अच्छा अच्छा चीज खिलाता है बहुत अच्छा अच्छा चीज खिला देते हैं कुत्ता भी खा जाता है वो बेचारा का क्या मालूम है हमको क्या करेगा और खिला दिया खिलाने के बाद दारू पीने के बाद उसको वो पिटाई करो चारों ओर से चारों सांतल जो है इधर से जाए इधर से मारे इधर से मारे चारों ओर से मारना शुरू कर दिया और बेचारा का हालत जब खराब हो गया उसको लेकर आग में रोस्ट कर दिया रोस्ट जानते हो हैं रोस्ट कर दिया और उसको झुला के नीच में आग लगा दिया पूरा कुत्ता एकदम रोस्ट हो गया उसके बाद अल्लाह चिल्ला करके बच्चा लोग सो नहरा आज पीठा खाएगा सुंदर पीठा कुत्ता को ऊपर से उतारा उसके बाद छोड़ी उसको है क्या किया उसको फाड़ दिया उसको फाड़ दिया अंदर से जितना अच्छा अच्छा खाना सब खिलाया था और वो अब उसका साथ साथ टुकड़ा मांगस भी निकलता होगा बास भोज भंडारा हो गया ये सबसे बड़ा भंडारा है उसका लिए मेरा कहने का मतलब है मैन टू मैन ये वैरी कर रहा है मेरा कहने का मतलब ये है कि मैन टू मैन एंजॉयमेंट का परिभाषा बदल जा रहा है बदलते रहते ये इसका लिए एंजॉयमेंट है वो आपका लिए एंजॉयमेंट है तो बासब एंजॉयमेंट क्या है इसका यार अगर उत्तर लेना चाहो तो आपको बैक करके जाना पड़ेगा वही पॉइंट में जो एंजॉय में आनंद है वो वास्तव सुख स्वरूप आनंद स्वरूप भगवान है आनंदम ब्रह्मो अर्थात परम ब्रह्मो भगवान निराकार वो तो है ही है भगवान का एक स्वरूप लेकिन भगवान का श्याम सुंदर रूप भी है नित्य स्वरूप है तो ये किसी भी जोनी में आपका आनंद मिलते रहेगा प्रहलाद महाजी कहते हैं और गीता में भगवान साफा बता दिया देखो इंद्रिय ग्राज्य इंद्रिय के द्वारा एंजॉयमेंट लेने वाला जो व्यवस्था है ये बुद्धिमान आदमी इसका पीछे नहीं पड़ता है सुखम इंद्रिय दैत्या जो बोला और गीता में भगवान जी बोले जो ये जो इंद्रिय के द्वारा भोगने वाला जो विषय है इसका पीछे बुद्धिमान आदमी दौड़ते नहीं है जो वास्तव बुद्धिमान है ये इसका पीछे दौड़ते नहीं वो जानते ही ये इसका लिमिटेशन है आंखों का लिमिटेशन है कान का लिमिटेशन है चाका सब लिमिटेशन विद इन सम एंड सर्टेन लिमिट देख वही इंद्रियजी जितना है इंद्रियोान इंद्रियो जो आदमी है वो लिमिटेशन का अंदर काम कर सकता है इसलिए सनकादि ऋषि अभी उसका अंदर में बड़ा एक प्रश्न आ गया कि क्योंकि सुतोदेव गोस्वामी को देखे हैं सामने आज सुतोदेव गोस्वामी जी का परिचय तो उनका पहले से मालूम है सुतोदेव गोस्वामी का परिचय जानते हैं कैसा क्या है महाभागवत है तो ऐसा मापिक महाभागवत वैष्णव मिल गया तो आनंद वास्तव आनंद का रास्ता खोल जाता है हमारा गौड़ीय समाज में गौड़ीय संप्रदाय में सुंदर सुंदर एक कहावत है कहावत नहीं शास्त्रों का ही बात है पद्वावली में जो कृष्ण तत्वविद तो तो कोई अगर महात्मा आपको मिले क्रियताम यदि कुतोपि लभ्य थे उसको खरीद लो कृष्ण भक्ति भविता मती क्रियताम यदि कुत अपी थे यदि आपको मिल गया कृष्ण भाव रस में एकदम 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 ऐसा हो गया तो प्रेम के मारे उसका एकदम बहुत एक्सेलेंट अवस्था ऐसा अगर आपका जिंदगी में ऐसा अगर सुजोग आया ऐसा तो मिल नहीं सकता संभव नहीं ऐसा मिलना संभव नहीं बहुत रेयर केस है भगवान का प्रेम में डूबे हुए ऐसा है सिलसिला भक्ति प्रमोद पुरी गो गुरु महाराज को देखते तो आपको पता चलता जब भी देखो क्या आंखों में आंसू है कोई भी उसका और देखे तो उसका खुद का दूल खुद का जो दिल है वो एकदम बह जाता है किसी का और देखे तो लगता है वो हमको देख के करुणा वर्षण कर रहे हैं और रोते हैं मेरे लिए मेरा तरुण अवस्था को देखकर ये कोई कीपा करना चाहे चाहे बच्चा हो बूढ़ा हो कोई भी आए एक पांच साल का बच्चा भी आए तो गुरुजी जी दिख अचानक देख लिया कि एक बच्चा घर में आया तो उसको पहले दंडवत कर देते थे ऐसे उसका दंडवत करने का पहले वो दंडवत कर देते वो तो आएगा घर का अंदर फिर दंडवत करेगा टाइम ले कि गुरुजी जी एक, एक सौ दो साल का उम्र में भी देखें ऐसा करके बैठते थे और जो कोई आए तो ऐसा पहले ही दंडवत कर देते थे ऐसे क्या स्वभाव है क्या प्रेम है तो कृष्ण भक्ति रस्वभाविताम यदि कुतौपी लभ्य थे यदि अगर आपका ऐसा मापिक महात्मा मिल गया महापुरुष जो कृष्ण प्रेम में डूबे हुए हैं प्रेमी संपत्ति बैंक की अमानती पैसा दैट इज नॉट एक्चुअल प्रॉपर्टी आई कैन प्रूव आपका बैंक की अमानती पैसा आपका साथ नहीं जाएगा जब भी आप जरूरत समझते हो आई नीड मानी पैसा संपत्ति ये आपका जिंदगी चलाने के लिए आप जरूरत समझते हो लेकिन पहुंचा हुआ संत महात्मा तो बैंक का बैलेंस का चिंतन नहीं करते बोले महाराज हमारा तो बैंक है ठाकुर जी गुरु जी जब भी अंदर में भावना होए तो उसका पूर्ति हो जाता कोई अंदर में भावना होए तो उसका पूर्ति ठाकुर जी करा देते हैं उसका लिए उसके लिए ये, ये, ये आई अटेंशन प्लीज क्या बात बता रहा था अभी अभी कृष्ण भक्ति रसभाविता क्रियाताम यदि कुतोपीलभ थे कभी आपका अगर ये मिल गया तो ये सोचो कि दैट इज कॉल एक्चुअल प्रॉपर्टी ये संपत्ति वास्तव संपत्ति है जो जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु अपना जो सन्यास लीला साक्षात भगवान उसमें सन्यास लीला करते हुए सब प्रमाण किए और बार बार बोलते रहे दास कोरि दे मोरे बेतौन प्रेम धन प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन प्रेम धन के अलावा प्रेम धन के बगैर हमारा जिंदगी जीवन दरिद्र है हम हमारा जिंदगी जो है एकदम आई एम प्रोवर्टी स्टिकेन होल सोसाइटी प्रोवर्टी प्रोवर्टी स्टिकन, स्टिकन सो, सोसाइटी दरिद्र से एकदम डूबे हुए हैं। ये सब धनी नहीं है हम मानते नहीं है कि ये लोग धनी हैं। ये लोग सोचते हैं कि हम करोड़पति हैं, कुछ भी है लेकिन हम तो हाथ उड़ाते हैं तुम करोड़पति हो तुम्हारा जैसा दरिद्र नहीं है भागवत में सुंदर सुंदर श्लोक है सुंदर सुंदर एक एक श्लोक है वो सब जब भागवत कथा चलेगा एक महीना तक तब ये सब चर्चा करने का सुजोग आता है इसी समय में भी संसार का चिंता नहीं छूटता भगवान का कथा चल रहा है इसमें भी संसार जुड़ा हुआ है परिपूर्ण रूप से क्या फायदा होगा बहुत थोड़ी समय के लिए सत्संगों इसमें भी संसार जोड़ा रहता है तो क्या क्या करेगा हम आके सत्यम खित इत्यादि श्लोक है चिरनानी हैं पथी न सं इत्यादि श्लोक है सुंदर कभी चर्चा करेंगे इधर बताया कि देखो ये तो धनी मनता है अपने को लेकिन वास्तव विचार ये सबसे बड़ा दरिद्र है क्योंकि इसका अंदर में तो ना भक्ति है ना कुछ है कुछ नहीं है इसका अंदर में तो ये दरिद्र है पंजाबियों में ये चर, चर्चा चलते रहते हैं कीर्तन भी करते हैं लोग धन दौलतल लो माल खजाना संग नहीं कुछ जाएगा वो कीर्तन का टाइम में बोलते हैं लेकिन बैंक में बहुत पैसा है रख दिया जानते हैं रिटायर कम रिटायरमेंट के बाद कौन देखेगा फिक्स डिपोजिट है और उसका बाद रिटायरमेंट के बाद पैसा मिलते रहता है, है? मैच्योरिटी होता है एल में रखे हैं जीवन बीमा जीवन प्रदीप सब बना के रखे हैं है? बोलते कथा की समय भी आता है तो किर्तन का समय आगे बैठेगा बोले महाराज हमको तो हम किर्तन जानता है बहुत सुंदर दौलत और माल खजाना संग नहीं कुछ जाना है, है? और मुट्ठी बंद के आया जगत में हाथ पसारे जाएगा क्या लेकर तू आया जग में क्या लेकर तू जाएगा ये कीर्तन बहुत सुंदर धुनी गाते हैं धंद लुत अरमल खजाना संग नहीं कुछ जाना है क्या लेकर तू आया जग में क्या लेकर तू जाएगा मुट्ठी बंद के आया जगत में हाथ पसारे जाएगा इत्यादि कीर्तन करते रहते हैं लेकिन आज जो हालत है साठ हजार ऋषियों का सामने सुतोदेव गोस्वामी आ गए कौन बुलाए सुखदेव गोस्वामी को कौन बुलाए सुतोदेव गोस्वामी को कौन बुलाए बोले ये ठाकुर जी का प्रेरणा है ठाकुर जी का प्रेरणा है इसके द्वारा आ गए इधर इसके बाद सुतोदेव गोस्वामी को बैठाया और आनंद हुआ क्योंकि वो जाने पहले ही प्रश्न कर दिया देखो हम लोग तो जोगो सौ सौ साल के लिए शुरू किए लेकिन इसमें तो हमारा बेकार हो गया कोई फायदा नहीं है देखो ऐसा जग करते करते काला काला पर गया लेकिन अल्टीमेटली जो आनंद है वो नहीं मिल रहा है अब आ गए हो आर जो इत, माने इतिहास पुराण आदि जो है पठन पाठन किए हो सब कुछ किए हो तो आप आ गए हो कि आप एक काम करो भागवत महिमा में बोलते हैं सुंदर सुतक्षाई कथा सारम मम कर्ण रसायनम सचमुच बात है सुतोदेव गोस्वामी को, को ये सुतोदेव जो शब्द बोला है ये लेके ले भी समाज में फाइटिंग होता है पंडित समाज में बोले ये तो सूतो देव है महाराज सूतो मतलब अनुलोम अनुलोम विलोम पैदा होता है माताजी ब्राह्मण है पिताजी क्षत्रिय है क्षत्रियो माताजी है पिताजी ब्राह्मण है ये सब अनुलोम प्रतिलोम जन्म होता है सूतो मतलब उसका नीचा घराने में पैदा हुआ है महाराज पहले भी भागवत एक कथा सुन शुरुआत के पहले वैष्णवों का अवमान का अवमानना का बारे में चर्चा किए शंकर भगवान का अपमान हुआ यहां भी सुतदेव गोस्वामी को ये सुतो शब्द सुनकर उसका ऊपर हमारा थोड़ा उल्टा भावना आ गया तो हमारा लिए बड़ा अपराध होगा सुतोदेव गोस्वामी ये जो सुतोदेव ये शब्दों जो है ये सुतो ये शब्दों के द्वारा हम अगर सोचे कि नीचे घराने में जन्म है महाराजा हम तो ब्राह्मण कुल में अविभाव हुए तो इससे इसका क्या है इसके लिए भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रोपात कहते हैं ये शब्दों को क्लारिफाई करने के लिए क्लियर करने के लिए क्लियर करने के लिए अपरागित सरस्वती चिन्मय सरस्वती सनकादि ऋषियों का जबान पर बैठकर उच्चारण कर दिए तब अनघ तब अनघ अनघ ये शब्दों को उच्चारण कर दिए ये अनघ शब्दों जो है ये इसका उच्चारण कैसे हुआ बोले सरस्वती शुद्धा सरस्वती सनकादी ये सनकादि ऋषियों का जीवान पर बैठकर ये शब्दों को निकाल दिया ताकि दुनिया का सारे फाइटिंग समाप्त तो हो जाए मेरा पहला क्वेश्चन है अनोघो और अनोघो यह शब्द कहां यूज होता है अनोघ है जिसका अघो मतलब पाप अनोघ मतलब जिसका अंदर निष्पाप है इसका परिभाषा है अनोघो जिसका कोई भी पाप नहीं है बिल्कुल एकदम निर्मल निर्मल अंतकरण है और निर्मल अंतकरण है तो इसका परिभाषा क्या है निर्मल अंतकरण का माने है उसका अंदर में भगवान का वस्ती है जब भी आप बोल दिए हो कि ये संत महात्मा का हृदय बिल्कुल निर्मल अंतकरण है इसका माने ये बैठता है कि उसका हृदय में स्वयं भगवान का बसती है इसलिए चैतन्य महाप्र चेतर्पण मार्जुन शब्दों यूज किया चेतों को मार्जन करते करते तो निर्मल बना दो गुंजिता मंजन का व्याख्या हम मठ में करेंगे यहां कोई समझेगा नहीं ज्यादा ये चेतोदर्पण ये जो मार्जनम ये किसके द्वारा करे किसके द्वारा श्री चैतन्य महापूजी ने बताए कि हरि कथा हरि कीर्तन के द्वारा ही चेतोदर्पण मार्जन हो सकता है ये चित्त नामक दर्पण का मार्जन का और कोई व्यवस्था है नहीं क्लीन करने का जितना ही अब हरिकथा हरि कीर्तन सुनते रहोगे तो यू कैन क्लरिफाई योर हार्ट यथा यथा आत्मा परिमिज्य असौ मत पुण्य गाथा सवनो विधान तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्म चक्षुषा एव अंजनो संप्रयुक्तम इस श्लोक का कभी व्याख्या करेंगे यथा यथा आत्मा परिमिज्य असो मतपुण गाथा सवनो विधानई भगवान बोलते हैं मेरा ये जो अपराकृत हरि कीर्तन हरि कथा निर्मल हरि हरिकथा आप सुनते रहो और सुनते सुनते जब आपका हृदय साफा हो जाएगा तो आपका दर्शन भी बदल जाएगा क्योंकि ये जो दर्शन है ये दर्शन कैसे बनते हैं ये जो दर्शन है कैसे बनते हैं आपका अंदर में जो संस्कार है वो संस्कार आपका जो देखने का जो तो तरीका है इसको बैकिंग करता है है कि नहीं एक उदाहरण दे दे आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि बिना उदाहरण आप लोग समझोगे नहीं एक बच्चा मैया का कोक में है और वो खाते नहीं है मैया बोलते दूध पी ले बोले दूध और मैदान में उसको थोड़ा घुमा रहा है अब बच्चा ने बोले चंद्र चंद जो च, चंद्रमा है पौर्ण, पौर्ण मासी का चंद्रमा उसको बोलते बोले हमको दो ये दो तब हम खाएंगे तो मैया बोले हाँ तू खा ले हम दे ना आगे दो तू खा ले देख हम दे देंगे आया आये चंदा मामा बच्चा का दर्शन है कि ये चंदा चंदा मामा जो है वो एक बिस्किट जैसा है उसको एक उसको पकड़ के हम खेल सकता है बच्चा का दर्शन है अब मैया का दर्शन है मैया पढ़ा लिखी है वो जानते ही ये एक, एक उपग्रह है इसको पकड़ने का कोई सवालत है नहीं क्योंकि ये ये जो ये जो पृथ्वी है इससे भाई बहुत दूर है इसको कैसे पकड़ेगा लेकिन बच्चा को बुलाने की बोले चंदा माँ आज आप पकाम देंगे तेरे को पकड़ के देंगे रामचंद्र जी भी ऐसा लीला लकिए कृष्णचंद्र जी भी ऐसा लीला लखिए यशोदा मैया ऐसा भुलाती थी तो ये ये जो आ गया एक बात इसमें देखो मैया का दर्शन है उसका एडुकेशन उसका बैकिंग कर रहा है मैया का जो दर्शन है उसका जो प्रीवियस एजुकेशन है उसका जो दर्शन है वो भी देखते हैं बच्चा भी देखते हैं लेकिन बच्चा का दर्शन का जो इग्नोरेंस है उसका अंदर में अज्ञान है इनोसेंसी है उसका दर्शन एक किस्म का होता है और मैया का दर्शन है उसका एडुकेशन हो है ये उपग्र थोड़ी इसको पकड़ा जा तो दर्शन एक किस्म का नहीं होता तो जैसे आप वास्तव कथा कीर्तन को सुनते रहोगे पहुंचे हुए महात्मा इनका जवानों से पिघलता हुआ अमृतमय वाणी को आप सुनते रहोगे कंटिन्यूसली तो उसके उससे क्या होगा भले इससे फायदा होगा नाति दीर्घे नो काले न भगवान विशते हृदय तो ये प्रमाण कर दिया हमने भागवत का प्रमाण है नाति दीर्घे नो काले न भगवान विशते हृदी शॉर्टली यू कैन फाइंड कृष्ण सिटिंग इनसाइड यू आप देखोगे भगवान अंतकर्म में बैठा हुआ है हर वक्त भगवान का चिंतन चलेगा कोई दूसरा चिंतन आएगा नहीं एक प्रतिष्ठित वैष्णव सिद्ध महात्मा का लक्षण है उसको रात दो बजे उसको बोला महाराज उठो उठो सारा किर्तन लगा दो हरि कथा बोलो वो बोलना शुरू कर देगा सच्चा महात्मा का है किसी भी हालत कोई भी जाएगा किसी भी महाराज थोड़ा कथा सुना बोलना शुरू कर देगा किसी भी हालत बहुत सारे आदमी आक्रमण भी करते संतु के ऊपर भी चढ़ाई करते बहुत सारे बदमाश फिर भी उसका टेंशन नहीं रहते क्यों जानते हैं भगवान रक्षा करने वाला है शरणागत तो पालक है रक्षक है भगवान तो ये जो सूत है ये शब्दों के द्वारा ये माने सरस्वती जी ने क्लियर कर दिया कि सूतो तो हमने बता दिया उसका नाम उग्र सुरवा भागवत कथा को ऐसे सुनते हैं लोमहर्षण का पुत्र है ऐसा हरि कथा सुनने वाला जगत में है नहीं विष्णु शबन परीक्षित विष्णु कथा विष्णु कीर्तन विष्णु सबने परीक्षित बयास कीर्तने इत्यादि श्लोक है एक एक, एक, -एक जो नवविधा भक्ति का अंग है कभी चर्चा करेंगे इसी हरिद्वार में रहते हुए एक एक अंग का जाजन करते हुए एक एक आदमी सिद्ध हो गया एकदम परीक्षित महाराज श्रवण के द्वारा भगवत हुआ सर्व सिद्धि हो गया सुखदेव गोस्वामी कीर्तन ऐसा करते करते एक एक भक्ति का अंग एक एक जाजन करके आप जा सकते हो अम्बरीश महाराज ने नवविदा भक्ति का पूरा नौ के नौ जाजन किया आपका लिए अगर संभव नहीं है तो सुनते रहो कथा तो। उसमें क्या होगा जल्दी जल्दी आपका अंतकरण निर्मल हो जाएगा गोस्वामी के बारे में जो अनग शब्द यूज किया सरस्वती अपरा अपराज सरस्वती यूज किया है शब्द को निकाल दिया इसका माने हैं उसका अंतकरण बिल्कुल निर्मल है जिसका अंतकरण निर्मल है जिसका अंदर में कोई बाधा विपत्ति नहीं है कुछ नहीं है जिसका कोई दूसरा कोई लगन नहीं है जिसका प्रतिष्ठा सच्चाई में है बोलो यह ब्राह्मण है कि नहीं वट डू मीन बाई ब्राह्मण ब्राह्मण का परिभाषा क्या है बताओ आपका पास कोई डेफिनेशन है किसको ब्राह्मण बोलता है ब्राह्मण किसको बोलता है उपनिषद में इसका कहानी है सुंदर उपनिषद में इसका डेफिनेशन आता है सच्चाई में जो प्रतिष्ठित है वही ब्राह्मण है ब्राह्मणे आर्जवो साक्षात ब्राह्मणे आर्जवो साक्षात शूद्रे अनार्जव लक्षणम ब्राह्मणे आर्जवो साक्षात शूद्रे अनार्जव लक्षणम लक्षण बता दिया ब्राह्मण कौन है भागवत में बोलता है इसका जिसका अंदर में सच्चाई प्रतिष्ठित है नोईटोर्सियर इज ब्राह्मण अरे ब्राह्मण क्या बात है वैष्णव है जो हरी कीर्तन है भाई ब्राह्मण तो बारह गुण है वैष्णव का अनंत गुण है ब्राह्मण तो बारह गुण है और सप्तम स्कंद में आता है विप्राद दिशर गुण जुता अरबिंद नाभ पदार बिंद विमुखात सपचम भरिष्ठम क्या बताया विप्राद गुण जुता अरबिंद नाभ पदा विमुखात सपचम वरिष्ठ इसमें कंपेरिटिव स्टडी हुआ विप्रात विप्रो से दिषण गुण जूता दिषण मित्र सिक्स मल्टीप्लाइड बाय टू बारह होता है दूना बारह तो विप्रात दिशा गुण जूता अरबिंदना पदार्द विमुखात सपचम वरिष्ठ क्या माने हुआ ब्राह्मण जो बारो सदगुनावली से विभूषित है बारह गुणावली समो दमो शौचो सरलता अर्जबो से लेकर सब पाड़ा गुण है ब्राह्मण का लेकिन ये होने का बावजूद इफ इज डिट ऑफ कृष्ण भक्ति इफ देयर इज नो डिवेशन देर इज नो डिवोशन इन साइड इस हार्ट तो उसको फेंक दो कोई काम का नहीं है सपद जो कुत्ता खाते थे पहले उसका राम जी का चरण में बड़ा लगन हो गया डोम है चाराल मुर्दा जलाते थे स्टिल ही इज सुपीरियर टू यू तुमसे कोई ना ऊपर है क्या क्या कंपेयर करें हम पहले कुत्ता बना के कुत्ता कुत्ता का मांस खाते थे उसको नाम है सपच लेकिन आज उसका अंदर में ऐसा भक्ति आया साधु संघ के द्वारा तो महाराज मत पूछो शास्त्रोकारों का विचार है ये बारो गुण वाला जो ब्राह्मण है बारो मुन बारो मुन जन ट्वेल्व मोन्स मतलब अहंकार ब्राह्मण जो बोलते हैं हम इसका व्याख्या करते हैं बारो मुन उसका अहंकार बारो मुनी बारह मन अहंकार लेके बैठे कुछ नहीं है जब अभिमान नहीं जाएगा तो तुम्हारा ब्राह्मण तो किस काम का है जब शास्त्र का ही विचार है महाभारत में भी है दूसरा जगह है पूरा वर्णाश्रम का क्या विचार है कौन ब्राह्मण है क्या है कैसे विचार किया जाए ये सब बारे में बोलने जाए सब चिल्ला चिल्ला कर आएगा आक्रमण करने लेकिन ये सच्चा बात है भागवत में बताए जसो यथ लक्षणम प्रख्तम पुंसो वर्णा विव्यंजकम तदन न तदिश्यत तत्व नहीं वो विदिशेत तत्व न एव डेफिनेटली जिसका अंदर में जो लक्षण दिखाई पड़ता है वो लक्षण के अनुसार वो ब्राह्मण है कि शूद्र है ये विचार करो किसी पिताजी का दो पुत्र है एक में ब्राह्मण का भाव पूरा है पहले विचार था वेदों में पुराणों में उसको ब्राह्मण बोला जाता था और उसका अंदर में खतियु है विश्वमित्र में पहले सा खतियों विचार था ऐसे ऐसे बाद में जब विश्वामित्र मुनि धीरे धीरे ये हमारा वैशिष्ट मुनि का कीपा मिला धीरे धीरे बाद में ब्रह्मर्षि बन, बन गया बाद में पहले फाइटिंग चला बहुत दिन तक वैशिष्ट मुनि बोले हम स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है क्यों स्वीकार करेंगे भाई तुम्हारा अंदर में तो है नहीं लाभ आप स्वीकार करना पड़ेगा आप करने से पूरा दुनिया हमको ब्रह्मषि मनेगा बोला हम नहीं करेंगे बाद अंतिम में तो बहुत सारे कहानियां यहाँ प्रासंगिक नहीं होगा फिर भी कह ही देते हैं क्योंकि टेंशन बने रहेगा कि क्या आधा अधूरा बात कह दिया महाराज बोले जब उसका लड़का को सारे पुत्रों को मार डाला फिर भी वो बोले नहीं हम शिकार नहीं करेंगे क्यों बोले कैसे शिकार करेंगे आपका तो अंदर में भाव नहीं आया तो जब आएगा हम शिकार करेंगे बोले ठीक है हम देख लेंगे बाद में क्या हुआ तो उसको मारने के लिए जंत्र लाए और अरुण द्वितीय वैशिष्ट मुनि बैठकर आपस में बातें चल रही है चंद्रमा का जोस्ना फैले हुए हैं चारों ओर फूल खिले हुए हैं और उसमें एक जघन्य अपराध करने के लिए आ गया कौन विषमित्र मुनि उसको पता नहीं बैठ के चर्चा चल रहा है और चंद्रमा को कर वैशिष्ट मुनि बता रहे हैं कि देखो प्रिय ये चंद्रमा का जोत्ना जैसे निर्मल चारों ओर फैले फे, हुए हैं कितना सुंदर देखो निर्मल जोश्ना क्या प्रभाव है इनकी कितना आनंद आजकल हमारा इस संत समाज में ये विश्वमित्र जी का जो भजन का जो प्रभाव है तपस्या का प्रभाव है ये चारों ओर फैले हुए जैसे चंद्रमा का किरण फैले हुए है ऐसा लगता है ये बात कानों में आ गया किसका विश्वमित्र जी का विश्व जी, जी का रोना आ गया अरे जिसको हम मारने के लिए आए वो हमारा प्रशंसा कर रहे हैं इसका ऊपर मतलब है, है उसका कोई तो है ही नहीं, मतलब हमको प्यार करते हैं इज्जत करते हैं हम नालायक हैं, इसका अंतर का भाव को हम ग्रहण नहीं कर पाए इसलिए उसको मारने के लिए आए तुरंत आपका अस्त्रों को फेंक दिए पैरों में जाके गिर गया हम जैसा नालायक को अब क्षमा करो आज मेरा बहुत शिक्षा हो गया और दोबारा ऐसा नहीं होगा जब जा क्षमा याचना किए तो वैशिष्ट ऋषि ने उसको उठाकर अलंगन किए तो आज से आपका ब्रह्मर्षि उपाधि दिया जाएगा टुडे इज द डे आपको यह सर्टिफिकेट दिया जाएगा हम जितना भी लड़ाई करें समाज संसार में विदेश से करोड़ रुपया का डॉलर लेके आए और आके समाज में प्रभाव जमा कर बोले हमारा आश्रय ले लो इसमें क्या होगा तात्कालिक कुछ बेनिफिट होगा पैसा का तो एक तो हर हम जैसा आदमी है किसी का अपेक्षा नहीं है कोई हमको टिकट बना देगा ऐसा बुलाया चल दिया कैसा प्राप्ति होगा ये भी चिंता नहीं है हमारा तो ये समाज में प्रभाव किसका होगा उसका होगा क्योंकि कलिकाल जो है इसमें उसका प्रभाव होगा क्योंकि वो जो फिनेंशियल मैटर है वही आदमी देखते हैं हम तो बोलते रहते हैं ऐसा में पिक्कि आचार्यों को आप बुलाओ बुलाओ हम तो बोलते हैं लोगों बोला बुलाओ उसको आधा घंटा के लिए लाखों रुपया आपका खर्चा हो जाएगा आप फायदा क्या देखो विचार करके खुद ही देखो विचार करके जो भी है आप सूत्रदेव गोस्वामी जी भागवत कथा जो बोले इसमें शुरुआत है छ किस्म का क्वेश्चन है इसमें छह किस्म का क्वेश्चन के बारे में और थोड़ा आगे महाराज टच कर देंगे बांछा